कंप्यूटर क्लासेस तो आखिरकार गाइस आपने कंप्यूटर क्लासेस जो है वो शुरू करवाई दी। आई वेलकम यू ऑल टू विंग्स एक उड़ान, माई सेल्फ पंकिल कपूर। गाइस जो आज मैं सेशन लेके आया हूँ आप सबके लिए, ये वही है जिसकी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा डिमांड थी। स्टूडेंट्स के वेरियस मैसेजेस आ रहे थे बार बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि सर प्लीज़ जो कंप्यूटर क्लासेज हमने शुरू करे। बिल्कुल हम ये जानते हैं जो कंप्यूटर सेक्शन है ये 30 मार्क्स की है और एक स्कोरिंग सेक्शन है, ये पैरेलल वैसे ही है जैसे अकाउंटेंसी भी 30 मार्क्स की है, जैसे आपका जो जीके है विद रेफरेंस टू JNK और जो इंडिया का भी है वो भी 30 मार्क्स का है। तो स्कोरिंग है और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कंप्यूटर सेक्शन है ये सिर्फ आपके JKSSB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आने वाले समय पर जो रीजनल रूरल बैंक RRB जो IBPS के अंडर बैंकिंग एग्जाम होता है वहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर का एक सेक्शन है 20 मार्क्स का। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जिसका असिस्टेंट का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लॉकडाउन से पहले हो चुका है, अब उसका मेंस आने वाला है, तो मेंस में भी 40 मार्क्स की कंप्यूटर सेक्शन है। तो अपने आप में कंप्यूटर सेक्शन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे ज़रूर एक क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी टाइम हो गया ये कंप्यूटर सेक्शन शुरू नहीं हो पाई, रीज़न हम पहले बता चुके हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ 5-7 सेकेंड सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और इसके बाद हम इसे कैरी ऑन करते हैं। तो आई होप गाइज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो गाइज आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पर एग्जैक्टली ये मेंशन नहीं है कि जो ये नंबर सिस्टम जिससे मैं शुरुआत करवाने वाला हूं कंप्यूटर की, ऑल दो नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर जो आपका एक सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सब ने कहीं ना कहीं जरूर ये देखा होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, देन डेसिमल नंबर सिस्टम सुना जरूर होगा। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये वही है। देखो ऐसा है कि बचपन से हमें 1, 2, 3 ये जीरो से शुरुआत करते हुए हमें पता है कि हम 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम डिफरेंट नंबर्स जो भी हम बनाना चाहे वो हम फॉर्म करते हैं। तो भाई ये कौन सा सिस्टम है? क्या बचपन से हमने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है मैथमेटिक्स में, इसीलिए इस चैप्टर का एक रोल मैथ्स के साथ भी है। तो वो नंबर सिस्टम जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स या वेरी बेसिक क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। इट मींस अपनी डेली लाइफ में हमने इनमें से एक नंबर सिस्टम पहले से ही इस्तेमाल किया हुआ है और वो कौन सा है? वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑल्दो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। आप कंप्यूटर को कुछ भी टाइप करके दोगे ना, आप कुछ भी मान लो मैंने अपना नाम लिखा, मैंने पंकिल टाइप किया, पंकिल कपूर, तो वो भी कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर उसके जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम पंकिल कपूर, ये जो मैंने लेटर्स या जो मैंने करेक्टर्स बोले, उससे 0 और 1 में। एंड 0 और 1 ये दो डिजिट्स या दो बिट्स है, इन्हीं को बोला जाता है बाइनरी नंबर्स और इसी पूरे सिस्टम को बोला जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो याद रखिएगा कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या एक लौता नंबर सिस्टम जो वो समझता है वो कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर बाइनरी लैंग्वेज। बाकी नंबर सिस्टम्स को भी वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो देखो हमने क्या लिखा है इसमें, डाटा रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द बाइनरी लैंग्वेज वी नो। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी में क्या क्या आ गया? जीरोज एंड वंस फॉर द डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो जो स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होते एट द रेट हैश, इनको भी कन्वर्ट किया जा सकता है जीरोज और वंस में। देन ऑल काइंड्स ऑफ डाटा, डाटा किसी भी टाइप का हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे नंबर हो, चाहे कोई सिंबल हो या कोई आवाज साउंड डाटा हो, कोई वीडियो हो, उस सबको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जीरोज और वंस की फॉर्म में। हर एक चीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम में हमारे पास 4 बेसिक टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स आ गए। कौन कौन से? पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, देन डेसिमल नंबर सिस्टम, ये वही है जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, देन ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड देन कम्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
क्लियर। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, फिर जो इस पे सवाल पूछा जाता है, कन्वर्जन ऑफ अ नंबर या ऑफ ए क्वेश्चन जो भी दिया जा रहा है फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने लिखे भी हुए हैं। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या बोल रहा है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग इन बाइनरी नंबर सिस्टम, कंप्यूटर हर एक चीज को बाइनरी नंबर सिस्टम में ही समझता है। इट कंटेन्स टू यूनिक डिजिट्स दैट इज जीरोस एंड वंस, इसमें दो यूनिक डिजिट्स होते हैं, मैं बता चुका आपको कौन कौन से, एक तो जीरो और दूसरा वन। जितने भी डिजिट्स होंगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम बेस टू सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेस टू सिस्टम, बिकॉज इसमें दो ही डिजिट्स हैं जीरो और वन। द बाइनरी नंबर जीरो एंड वन इज कॉल्ड ए बिट, ये बिट होता है और बिट से फिर बाइट पे आते हैं, देन केबीज किलोबाइट्स एमबी मेगाबाइट जीबी गीगाबाइट, ये वही चीजें हैं जो हम अपना डाटा का रिचार्ज करवाते हैं। डाटा का रिचार्ज जैसे हमने मान लो एक जीबी का करवाया या मान लो मैंने दो जीबी का करवाया, तो ये वही डाटा की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, तो आने वाले समय में हम देखेंगे यार बाइट कैसे बनता है, बिट क्या होता है वो मैंने बताया, देन केबीज जीबी कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये दिया किसने था, दिस वॉज गिवन बाय गॉटफ्राइड विलियम लाइबनीज। ऑल्दो ये सवाल पूछा नहीं जाता बट अगर आपको पता है तो ये हेल्पफुल है आपके लिए। दोबारा बोल रहा हूं, गॉटफ्राइड विलियम लाइबनीज उसने ये दिया है, डेवलप द बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो अब मैंने बताया जीरो और वन ये दो नंबर होते हैं ना, जीरो रिप्रेजेंट करता है याद रखना ऑफ स्टेट को और वन रिप्रेजेंट करता है ऑन स्टेट को। देखिएगा जीरो रिप्रेजेंट्स ऑफ स्टेट, वन रिप्रेजेंट्स ऑन स्टेट। ऑफ स्टेट को मैं फॉल्स भी बोलता हूं एंड ऑन स्टेट को मैं ट्रू भी बोलता हूं। नाइन्थ या टेंथ में तो फिजिक्स हमने पढ़ी है, अब आपको याद होगा हमें प्रोजेक्ट मिलता था, अब उस प्रोजेक्ट में क्या होता था, एक बल्ब को ऑन करने के लिए कुछ स्विचेस का इस्तेमाल होता था, वहां पर भी कीज लगाई जाती थी, ऑफ स्टेट ऑन स्टेट वहां भी होता है। और आप में से किसी ने अगर किसी ने सर्किट या लॉजिक सिंबल्स पढ़े हैं एंड और नॉट, उनको जरूर पता होगा ये ऑफ स्टेट ये ऑन स्टेट क्या होता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है, आई होप आपको ये पॉइंट पता चला होगा। देन कम्स डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसी से मतलब ही क्या हमें समझ आता है, टेन। इट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज बेस टेन नंबर सिस्टम, इसे हम बेस टेन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। देन इट कंसिस्ट्स ऑफ टेन डिजिट्स। अब बच्चे को गलती लगती है वो जीरो से टेन बोलता है, जीरो से टेन नहीं जीरो से नाइन। वाई, बिकॉज वन से लेके नाइन तक ये तो हो गए नाइन डिजिट्स और एक जीरो भी तो है, कुल मिला के ये टोटल टेन डिजिट्स हो गए। ऑल्सो नोन एज पोजिशनल नंबर सिस्टम, इसे हम पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं और ये वही नंबर सिस्टम है जो कि हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। क्या हम डेली लाइफ में जीरो से नाइन नंबर्स को इस्तेमाल नहीं करते? मुझे कोई भी नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम जीरो से नाइन, उनमें से कोई भी डिजिट्स उठाऊंगा, जो नंबर मुझे फॉर्म करना है आई कैन फॉर्म इट वेरी इजली, है ना। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। देन कम्स ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखो ऑक्टल का मीनिंग ही क्या हो गया, ऑक्टागन सुना है जिसकी एट साइड्स होती है, वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हमारे पास एट डिजिट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो गोइंग ऑन टू सेवन नॉट एट। इट कंसिस्ट ऑफ एट डिजिट्स फ्रॉम जीरो टू सेवन एंड द अदर नेम ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज बेस एट सिस्टम। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये मैंने कन्वर्जन किस वे में की है इसको थोड़ा सा वेट इस पे रखते हैं, बिकॉज पहले मैं हेक्साडेसिमल समझाता हूं फिर दोनों के बारे में ये क्लैरिटी दूंगा। हेक्साडेसिमल का मीनिंग क्या हो गया, 16। हेक्सा मींस 16। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 16 डिजिट्स अवेलेबल हो, 16 यूनिक डिजिट्स जो है वो अवेलेबल हो इस सिस्टम में फ्रॉम 0 टू 9। शुरुआत तो 0 से होती है, 9 तक ये हो गए 10 डिजिट्स। अब 9 के बाद कोई डिजिट नहीं होता, 9 के बाद यहां पर लेटर या अल्फाबेट क्या यूज किया गया है, एंड ए टू एफ। ए टू एफ का मीनिंग क्या हो गया, देखो 10 डिजिट्स यहां तक हो गए
हो गई। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14, एफ 15। इट मींस अगर मुझे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मेरे को कोई बोल रहा है यार मैंने बी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं बोलूंगा वो 11 है। मान लो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसी का नाम है सीडी, मान लो सीडी नाम है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अब ये सीडी हम मेरे एक फ्रेंड का भी नाम है, तो ये जो सीडी नाम है सी रिप्रेजेंट होगा 12 से और डी जो है वो किससे रिप्रेजेंट होगा 13 से, तो हो गया 12 13, ये सीडी हो गया। तो इट इज ऑल्सो नोन एज बेस 16 सिस्टम, बेस 16 सिस्टम भी बोलते हैं हम इसे, या फिर हेक्स भी बोलते हैं। हेक्स रिप्रेजेंट 16 यूनिक डिजिट्स। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। अभी तक हमने ये चार नंबर सिस्टम समझे कि भाई ये नंबर सिस्टम जो है ये भाई होते क्या है। अब हम ये देखेंगे कि हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में बाइनरी को, या बाइनरी को ऑक्टल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वह कैसे करना है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ऑक्टल का मीनिंग क्या हो गया। 8, देखो ये कैसे आता है, 2 का जो क्यूब होगा दैट इज 8, और वैसे ही 2 की पावर 4 करूंगा दैट विल बी 16। ये इस वे में बनता है। अब 2 का क्यूब 8 है तो याद रखना ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो पोजीशंस होंगी ना वो 3 पोजीशंस होंगी, इन 3 पोजीशंस का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे, अब उस पर बात करते हैं। आपको एक मैजिकल नंबर याद रखना है, वो मैजिकल नंबर क्या है, वो मैजिकल नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए बता रहा हूं, 1 then 2 then 4। क्या नंबर है, 4 2 1 या 1 2 4, लेफ्ट से रीड करोगे 4 2 1। और अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए हमने ये समझना है देन 8 4 2 1, इसके लिए हमें ये नंबर जो है वो याद रखना है। देखो अब ये नंबर याद रखने के लिए मैं बोल क्यों रहा हूं, क्रैम नहीं करना, समझना है। देखो कैसे, 2 की पावर 0 इज 1, ये 1 कैसे आया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इज 2, देन 2 की पावर 2 इज 4। ये जो क्यूब बोल रहा था ना, देखो मैंने 3 बार किया, 1 2 3, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। और वैसे ही ये 1 कैसे आया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, देन 2 का क्यूब। याद रखना 2 की पावर 0 से शुरू की है, ठीक है, और फिर मैं मूव कर रहा हूं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स का इस्तेमाल हो रहा है या कितनी लोकेशंस का, 4 लोकेशंस का। एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने का हो रहा है, 3 लोकेशंस का। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करना है, ऑक्टल में अगर मेरे पास 0 है, ऑक्टल में अगर मेरे पास 0 है तो बाइनरी में वो क्या क्या रिप्रेजेंट होगा, बिल्कुल 0। 3 जीरोस क्यों लिखे मैंने, मैंने बताया बाइनरी में, हाँ बिल्कुल मैंने बताया 3 जीरोस क्यों लिखे, बिकॉज ऑक्टल से, ऑक्टल से अगर मुझे बाइनरी में आना है तो मुझे 3 लोकेशंस का इस्तेमाल करना है, तो यहां पर आ गया 3 जीरोस। अब समझना, ऑक्टल में अगर मुझे कोई 1 बोल रहा है उसे मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, माइंड में सोचो नंबर क्या था, 4 2 1। तो अब मुझे ये चीज को ऑन करना है और इन दोनों को क्या करना है, ऑफ। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, हमारे पास नंबर क्या है माइंड में, 4 2 1, मैंने क्या बनाना है, 1, मींस कि इस चीज को मैंने ऑन करना है, ऑन किससे रिप्रेजेंट होता है, 1 से, ये 1 कर दिया, इन दोनों को ऑफ करना है, ये दोनों 0 हो गए। इट मींस ये चीज जो है मैं लिख रहा हूं दोबारा, ये मैंने ऑन किया है, ये मैंने ऑफ किया है, इससे मुझे क्या रिप्रेजेंट हो गया, 1 की रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसको और डीप में समझते हैं, आइए और डीप में समझते हैं। ये एक बार समझ आ गया तो फिर हमारा कन्वर्जन तो बहुत इजी है। देखो मैजिकल नंबर सिस्टम 4 2 1 है, मुझे ऑक्टल का 2 बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, 2 यहां पर दिख रहा है आप सभी को, इसको ऑन करना है, ये लो मैंने ऑन कर दिया, और बाकियों को क्या करना है मैंने ऑफ, तो आ गया 0 1 0 0 1 0। ये क्लियर हो गया, आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं। मैजिकल नंबर जो मुझे याद है ना वो 4 2 1 ही है।
अब मुझे थ्री को रिप्रेजेंट करना है। अब सोचो इन तीनों को इस्तेमाल करके थ्री कैसे बनाया जा सकता है। देखो मुझे पता है फोर तो मुझे यूज में नहीं आएगा, इसको मैं ऑफ कर देता हूं, और टू और प्लस वन थ्री बनाएगा, इट मींस टू को भी ऑन वन को भी ऑन, तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई, फिर ये थ्री की रिप्रेजेंटेशन आ गई। देखो जीरो वन वन, ये भी क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज फोर को रिप्रेजेंट करना है। भाई फोर को रिप्रेजेंट करना है, इसे हम ऑन कर देते हैं और बाकियों को ऑफ कर देते हैं, तो देखिए वन डबल जीरो, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं, पूरा बता रहा हूं मैं आपको, फाइव को रिप्रेजेंट करना है। फाइव कैसे बन सकता है, फोर प्लस वन इज फाइव, फोर को ऑन करना पड़ेगा, वन को भी ऑन करना पड़ेगा, बट टू को ऑफ रखना है, तो फाइव की रिप्रेजेंटेशन इज वन जीरो वन, क्लियर है ये भी पॉइंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मैंने किसको रिप्रेजेंट करना है, सिक्स को। सिक्स कैसे बनाया जा सकता है, फोर प्लस टू, फोर को भी ऑन टू को भी ऑन और वन को ऑफ, तो सिक्स की रिप्रेजेंटेशन इज वन वन जीरो। देन लास्ट जो हमारे पास है दैट इज सेवन। सेवन कैसे बन सकता है, चार और दो छह और एक सात, ये तीनों को ऑन करना पड़ेगा। अगर मुझे तीनों को ऑन करना है तो तीनों जो है मेरे लिए वन हो जाएंगे, तो देखो सेवन की रिप्रेजेंटेशन ट्रिपल वन है कि नहीं। तो इस वे में हम ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। मैंने आपको यह बताया कि भाई तीन पोजिशंस का इस्तेमाल होना है, यू हैव टू यूज थ्री लोकेशंस, एंड फॉर हेक्साडेसिमल नंबर यू हैव टू यूज फोर लोकेशन। सेम यही कॉन्सेप्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होगा। एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, देखो मान लो मुझे कोई बोलता है कि मुझे नाइन को रिप्रेजेंट करना है हेक्साडेसिमल में, 8421 मैजिकल नंबर मैंने बताया ऊपर, 8421। नाइन कैसे बनेगा, 8 और 1 को ऐड करके मैंने 8 को ऑन कर दिया, 1 को ऑन कर दिया और बाकियों को ऑफ रखा मैंने, चार लोकेशंस का इस्तेमाल होगा ना। तो 9 की रिप्रेजेंटेशन जो हेक्साडेसिमल में 9 है उसको बाइनरी में लाना है तो 1001। चलो मैं एक लास्ट और बता देता हूं, मैं 9 के बाद रिप्रेजेंट करता हूं ए को। मुझे पता ए जो है वो 10 होता है ना, 10 कैसे बनेगा, 8 और 2 को ऑन करना पड़ेगा, 8 को भी ऑन कर दिया, 2 को भी ऑन कर दिया, इस 4 को मैंने ऑफ रखा, 1 को भी मैंने ऑफ रखा, तो 10 की रिप्रेजेंटेशन इज 1010। चलिए एक लास्ट में आपको बता रहा हूं लास्ट, उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं। देखो अब मैं किसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं लास्ट एफ को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये हेक्साडेसिमल में एफ है, एफ मींस 15, 8 4 12 2 14 और 1 15, सभी को ऑन करना पड़ेगा तो 1111। तो इट मींस एफ जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जिसको 15 हम बोल सकते हैं, उसकी बाइनरी में कन्वर्जन लानी है तो सभी वंस आ जाएंगे। और जब मैं इसकी सवाल करवाऊंगा मैं दोबारा से आपको ये सब बताने जा रहा हूं। इसी के साथ अभी तक हमने ये चारों नंबर सिस्टम्स जो है उनको डिटेलिंग में समझा, अब आ जाते हैं इनकी कन्वर्जन्स पे, इनके उन सवालों पे जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। जैसे सेकंड भाई टाइम चेक कर लेते हैं वीडियो का, सो दैट बीच में पढ़ना हो जाए। क्लियर है गाइस, तो गाइज अब आ जाते हैं हम इनके क्वेश्चंस के ऊपर। आई हैव टू रब दिस, मैं दोबारा से आपको टाइम दे रहा हूं, इफ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीन शॉट देन प्लीज टेक। ओके गाइज, चलिए जस्ट अ सेकेंड। तो गाइज मैं ये रब कर रहा हूं, वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस, जस्ट अ सेकंड भाई।
चलिए गाइस अब क्वेश्चंस पे आते हैं इनके और क्वेश्चंस को देखते हैं किस वे में किया जाएगा। काफी इजी क्वेश्चंस है, एक बार आप समझोगे देन यू हैव टू प्रैक्टिस। मैंने एक सवाल नहीं, हर टाइप के ऊपर दो सवाल लिए। देखिए अब कन्वर्जन, देखो गाइस किसी भी सिस्टम से किसी भी दूसरे सिस्टम में पूछ सकता है। जैसे पहला सवाल जो है, पहला सवाल किसमें है भाई, बोल रहा है कन्वर्जन आपको करनी है फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर सिस्टम है भाई, एक बात याद रखना, बेस 10 का मीनिंग क्या हो गया, अगर डेसिमल है तो उसकी बेस यहां 10 दिखाई गई होगी, अगर बाइनरी है तो बेस 2, ऑक्टल है तो बेस 8, हेक्साडेसिमल है तो बेस 16। बता रहा हूं ये आ गया डेसिमल, दिस इज बाइनरी, ऑक्टल एंड दिस इज हेक्साडेसिमल। ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो अब जो इसने हमसे सवाल पूछा वो बोल रहा है कि यू हैव टू कन्वर्ट 43, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट, यू हैव टू कन्वर्ट 43 फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल से बाइनरी कैसे आया जाए? अभी इससे पहले जो मैंने आपको समझाया वो मैंने ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे आते हैं मैंने वो सिखाया, बहुत यूज होगा क्वेश्चंस में यार। अब डेसिमल से बाइनरी कैसे आना है, देखो सबसे पहले आपको वो नंबर ले लेना है जो भी वो दे रहा है। अब इस नंबर को आपने डिवाइड करना है। अब डिवाइड किससे करना है, क्योंकि आपने बाइनरी में आना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 2 4, 2 1 2। अब जो रिमाइंडर आएगा वो आपने इस वे में लिखना है। कितना आया रिमाइंडर, 2 21 42 हो गया ना, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। वापस 2 से करेंगे, 2 10 20, देन अगेन रिमाइंडर इज 1, 2 5 10, रिमाइंडर इज 0, 2 2 4, रिमाइंडर इज 1, 2 1 2, रिमाइंडर इज 0। जैसे यहां 1 आ जाएगा, यू हैव टू गो लाइक दिस। दिस इज MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या बिट, दिस इज LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इट मीन्स हमारे पास क्या बना फिर, 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। तो ये फिर किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई भाई, 43 जो कि डेसिमल में था, अगर मुझे उसे बाइनरी में लाना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इज 1 0 1 0 1 1। रिपीट कर रहा हूं, मैंने नंबर लिया और 2 से डिवाइड किया, 2 21 42, रिमाइंडर यहां लिखना है, 2 10 20, रिमाइंडर 1 आया, 2 5 10, रिमाइंडर 0, 2 2 4, रिमाइंडर 1, 2 1 2, रिमाइंडर 0। देन गो लाइक दिस, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। देखो मैंने आपके लिए सिर्फ एक ही सवाल नहीं, मैंने 2 सवाल लिए, सो दैट किसी को अगर पहले में इशू है वो दूसरा वाला समझ ले। देखो भाई 117 दोबारा ये किसमें दिए, डेसिमल में, लाना किसमें है, हमने लाना है बाइनरी में। तो मैंने क्या बोला, नंबर ले लीजिए और उसे डिवाइड कीजिए किससे, 2 से, 2 5 10, 2 8 16, रिमाइंडर इज 1, देन 2 2 4, 2 9 18, रिमाइंडर इज 0, देन 2 1 2, 2 4 8, रिमाइंडर इज 1। क्लियर है? 2 7 14, रिमाइंडर इज 0, 2 3 6, रिमाइंडर इज 1, 2 1 2, रिमाइंडर इज 1। गो लाइक दिस, इट मीन्स जो नंबर हमारे पास 117 था डेसिमल में, वो बाइनरी में क्या आएगा, 1 1 1 0 1 0 1, मीन्स 1 1 0 1 then 0 1, ये आ गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो भाई ये सवाल थे, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। देन नेक्स्ट पे आते हैं भाई, ये हो गया हमारा, जब भी हमने डेसिमल से किसमें आना हो, डेसिमल से हमने बाइनरी में आना हो। अब इसका उल्टा देखिए, इंपॉर्टेंट है, अब हमने बाइनरी से डेसिमल में आना है,
दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. बाइनरी में नंबर क्या है हमारे पास? 1101.10. ये है बाइनरी में. और आना है हमने किस में? हमने आना है डेसिमल में. ये देखो, ये इसी का रिवर्स कन्वर्जन हो गया. अब इंपॉर्टेंट है, अब ऐसा नहीं है कि 10 से डिवाइड करना है, नहीं ऐसा नहीं है. ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी भी नंबर सिस्टम को बाइनरी से उसमें लाना हो तो हम इस तरीके से करेंगे. देखो, अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड, सॉरी, हमने बाइनरी से डेसिमल में आना. देखो कैसे करेंगे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा. अब मैं एक्सट्रीम लेफ्ट तक जाऊँगा, यहाँ से राइट तक जाऊँगा. लेफ्ट तक कैसे जाना है? 2 की पावर 0 से शुरू होगा इनटू यहाँ जो नंबर है, क्या नंबर है? 1 प्लस 2 की पावर 1. ये पावर इंक्रीज करते जाओ. आगे नंबर क्या है? 0. इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से. प्लस पावर 1 आई ना, अब क्या आएगी? 2 की पावर 2. मगर मल्टीप्लाई किससे करना है? ये तीसरे डिजिट से, वो है 1. प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई किससे करना है? वो है 1. दोबारा मैं बता रहा हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई किससे करना है? जो डिजिट्स यहां पे पड़े होंगे. पहले 1 था, देन 0, देन 1, देन 1, 1 0 1 1. बट वहां पर ऐसा नहीं है, पॉइंट के रेस्ट आपने राइट साइड जब जाना है तो देखिएगा क्या आएगा इसमें. प्लस, ध्यान से समझिएगा भाई, इस पॉइंट को मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है. 2 की पावर -1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -2. 1 क्यों आया? क्योंकि यहां 1 है. अब 2 की पावर -2 किससे करेंगे? 0 से. कुछ और होता तो 2 की पावर -3 से शुरू होता. अब देखो सॉल्व करते हैं, 1 इंटू क्या हो जाएगा? 2 की क्यूब इज 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा, 0. एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 की पावर -1. भाई 2 की पावर -1 का मीनिंग हो गया नीचे ले जाओ और 2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी. प्लस एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. तो 8 वन ज़ा 8 प्लस 4 प्लस 1, 1/2 इज 0.5. ये कितना आ गया? 8 और 4 12 1 13 और दिस कम्स आउट टू बी 13.5. और ये किस में आ गया? अब हमारे पास ये आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम में. आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको. तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल. आइए नेक्स्ट वाला करते हैं, फिर हमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज 10101. ये दोबारा बाइनरी में दिया हुआ है, किस में लाना है? ये वाला भाई, ये वाला क्वेश्चन है, हमें लाना है डेसिमल में. मैंने क्या बोला आपको? 2 की पावर 0 से शुरू हो जाओ, यहाँ पॉइंट तो है ही नहीं. इंटू पहला डिजिट क्या है? 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 का क्यूब इंटू 0 प्लस 2 की पावर 4 इंटू लास्ट वाला डिजिट 1. एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज ये आ गया 1. किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 0. क्लियर है? 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 1 इज 4. 2 का क्यूब इज 8, 8 इंटू 0 इज 0. 2 की पावर 4 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20 प्लस 1 इज 21. इट मीन्स ये किसमें आ गया हमारे पास? डेसिमल नंबर सिस्टम में. तो ये बाइनरी की कन्वर्जन हो गई किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में. ये दो सवाल या दो टाइप्स हमने पढ़ी है. मैं एक बार वापिस से टाइम देख लेता हूँ बिकॉज बीच में बंद ना हो जाए वीडियो. हाँ, तो गाइज, हालांकि मैंने सवाल तो और भी लिए, जस्ट अ सेकंड यार गाइज, मैंने सवाल तो और भी लिए हैं 4, बट ऐसा है कि बिकॉज हमारा ये DSLR में 30 मिनट से ऊपर वीडियोज है वो बन नहीं पाएगी, तो मुझे अभी के लिए इतना ही रखना पड़ेगा. आई एम रियली सॉरी. तो हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने आपको ये 4 सवाल जो है ये करवा दिए कि डेसिमल से बाइनरी अगर आना है तो हमें 2 से डिवाइड करना है, बाइनरी से डेसिमल में आना है तो वो इस वे में चलेगा. पॉइंट होता तो वो नेगेटिव पावर्स आ जाती जो मैंने आपको समझाया.
जो मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही बना के लाऊंगा उसमें हम बाकी सवाल करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स अ लॉट।